हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गया हूँ आप सब लोगों के सामने एक नए वीडियो को लेकर। जी हाँ, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था IMU सीरीज को वाईफाई करके वायरलेसली उसको यूज़ करते हुए हमने एक कुछ नया कुछ करने की कोशिश की थी, और आज हम करने वाले हैं उसी चीज़ के अंदर, हिकविजन के अंदर ईजवी सीरीज जो वन ऑफ द बेस्ट है वायरलेसली। काफ़ी अच्छे कैमराज उसके आते हैं, काफ़ी अच्छे कैमराज उसके चलते हैं। सो हम इस कैमरे के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि किस तरह से ईजवीज का जो कैमरा है उसको भी आप वायरलेसली, जैसा कि हमने IMU के अंदर समझा था, सेम प्रोसेस के साथ में आप, लेकिन हिकविजन के NVR या फिर हिकविजन के DVR के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर, और शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि जो ईजवीज का कैमरा है सेम एज इट इज, आप उसी के स्टडीज को लीजिए कि यहाँ पर भी आपके पास में एक बंगलो है और बंगलो के अंदर आपको चार कैमरे लगाने हैं। तो ईजवीज के अंदर भी आपको आउटडोर कैमरा, इंडोर कैमरा, दोनों टाइप के कैमराज अवेलेबल मिल जाते हैं। मेक श्योर कि पूरा जो घर है वो अच्छी तरह से वायरलेसली, यानी कि वाईफाई उसका जो स्ट्रांग सिग्नल्स वाला एक अच्छा राउटर आप लगा दीजिएगा, अगर नहीं है तो एक्सेस पॉइंट यूज करिएगा। तो इस तरह से आप उसको अच्छे से कनेक्ट कर लीजिए, और कनेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी एज इट इज जो कैमराज हैं, दो आउटडोर कैमरा, दो इंडोर कैमरा और आपका एक NVR या फिर DVR, लेकिन DVR के अंदर कंडीशन है अप्लाइड, जिसके अंदर आप IP कैमरा ऐड कर सकते हैं। उसी सीरीज का आपको यहां पर DVR जो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। जितने अगर फॉर एग्जांपल आप कोई DVR ले रहे हैं और उस DVR के अंदर फॉर एग्जांपल आप दो IP ऐड कर सकते हैं, तो उस DVR में सिर्फ आप दो ही ईजवीज के कैमरा ऐड कर पाएंगे, बाकी के जो दो कैमरा है वो वायर वाले आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे। ओके, सो चलिए प्रैक्टिकली हम लोग चलते हैं वापस से ईजवीज को किस तरह से सेटअप किया जा सकता है, ईजवीज को किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है उस NVR के साथ में या फिर DVR के साथ में। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल डेमो की तरफ। सो अभी हमारे पास में यहाँ पर रेडी है एक ये 2 मेगापिक्सल का एक कैमरा ईजवीज का C6EN मॉडल, आई थिंक यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। जी हाँ, इंटरनेट PT कैमरा इसको बोलते हैं, CS CV246 इसका मॉडल नंबर है। सो ये कैमरा हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है सीधा पावर के साथ में, और इस तरह से कनेक्टेड है। तो इसको हम पहले तो कर लेते हैं कनेक्ट, क्योंकि आपको जब भी इस तरह के कैमरा को अगर NVR या फिर DVR के अंदर आपको इंस्टॉल करना होगा, एट द टाइम पर आपको पहले इसको मोबाइल के साथ में कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास में यहाँ पर हम इसको रखते हैं यहाँ पर साइड में, और अब हम लेते हैं हमारा फ़ोन, और फ़ोन के अंदर जैसे कि मैंने ऑलरेडी ईजवीज की एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करके रखी हुई है। सो ईजवीज, और ईजवीज में हमें जाना है यहाँ पर प्लस के सिंबल पे, यहाँ से जाना है हमें कैमरा पे, और कैमरा पर यहाँ पर स्कैन कोड, फ़ोन को कैमरा को उठाया एंड देन स्कैन कर लिया, स्कैन में आ गया क्या डिवाइस इज पावर्ड ऑन, बोले कि हाँ यहाँ पर पावर लग रहा है, सो हमने कहा ऑन है। इसके बाद में फ्लैश इज ब्लू, यस फ्लैश ब्लू हो रही है, तो उसको हमने कुछ इस तरह से कनेक्ट किया। यहाँ पर आपको जैसे इस लेवल तक आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद में आपको कहना पड़ेगा आपको वाईफाई के साथ में कनेक्ट करना है। तो ये 5G नेटवर्क को, मतलब कि 5 GHz का जो नेटवर्क है उसको सपोर्ट नहीं करता, 2.4 को सपोर्ट करता है। सो मुझे अपने फ़ोन को 2.4 के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पर कर लिया 2.4 के साथ में कनेक्ट, और नेक्स्ट किया। यहाँ पर पूछ रहा है ईजवीज, यस ईजवीज को कनेक्ट करना है, सो मैंने ईजवीज पे टैप किया। ईजवीज पे टैप होने के बाद में पूछ रहा है इंडिकेटर फ्लैशेस ब्लू, यस ब्लू फ्लैश हो रहा है, सो हम चलते हैं ब्लू पे। सो इसके बाद में एक प्रोसेस यहाँ पर सीधा हमारे पास में स्टार्ट हो जाता है कुछ इस तरह से। सो भी प्रोसेस में है, वाईफाई कनेक्ट हो रहा है, प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, जो भी प्रोसेस है पूरा का पूरा मैं फोन पे पता चलता रहता है। वेलकम टू ईजवीज, और ये हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो गया, अभी आपके सामने यहाँ पर है कुछ इस तरह से, ये देखिए कनेक्ट एंड एवरीथिंग इज ओके। सो QR कोड आपको सेव करना है, व्यू डिवाइस, यस ये यहाँ पर आ गया हमारा C6EN, और कुछ इस तरह से ये देखिए यहाँ पर, आई थिंक मैं भी आपको दिखाई दूँ कुछ इस तरह से, अपर साइड में कैमरा लगा हुआ है। सो हमारा ये डिवाइस यहाँ पर इजीली कनेक्ट हो गया। अब आपको इतना करने के बाद में क्या करना है कि आपको जाना है सीधा आपके PC पर,
और कैसे कनेक्ट करते हैं, तो चलिए अभी चलते हैं पीसी पर और कनेक्ट करके दिखाता हूँ। पर और ये आ गए हैं हम हमारे पीसी पर। और जब भी हम हिकविजन की डिवाइस को कॉन्फ़िगरेशन में करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है हमें एसीडीपी टूल की। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है, तो हमें सीधा जाना है हमारे एसीडीपी टूल पर और एसीडीपी को ओपन कर लेना है आपको। और आप जैसे ही एसीडीपी को ओपन करेंगे तो जितने भी हिकविजन के डिवाइसेज है वो आपको यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे घर में काफ़ी सारे डिवाइसेज आप भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हिकविजन के हैं और बहुत सारे डिवाइसेज यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो हमें देखना है कि जो हमारा इजविज का जो कैमरा है वो कौन सा है। सो उसका जो मॉडल नंबर है वो है CACV C46, जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आप इसको यहाँ से चेक करिए, टिक करिए, और यहाँ पर आकर आपको इसका जो इनेबल DHCP है ना, इसको आपको करना पड़ेगा ऑफ। मतलब कि आपको ये कैमरे को पर्टिकुलर एक IP देना है जो आप रेंज रखना चाहते हैं आपके NVR में ऐड करने के लिए। सो हम इसको यहाँ से अनचेक करते हैं और जो हमारा IP है वो यहाँ पर हम देते हैं। और जो मेरी सीरीज जो चल रही है वो है 21, 22, 23 एंड देन आई थिंक आई शुड गिव द 24। सो अगर मैं इसको 24 का IP देता हूँ, पोर्ट हमारा 8000 ही है, सबनेट मास्क इज ऑल्सो ओके, गेटवे जो होता है वो आपका जो राउटर का पासवर्ड है वही हमें यहाँ पर रखना है। अब यहाँ पर बात आती है एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड की। जो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड कौन सा होगा, तो जो आपका वेरिफिकेशन कोड है कैमरे के जो नीचे लिखा हुआ आपका वही पासवर्ड है, ठीक है। सो हम यहाँ पर डाल देते हैं ओके। सो हमने यहाँ पर डाल दिया हमारा वेरिफिकेशन पासवर्ड एज अ एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। हम इसको करते हैं मॉडिफाइड और ये सक्सेसफुली हो जाना चाहिए आई थिंक सो। ओके, द पैरामीटर मॉडिफिकेशन कंप्लीटेड। मतलब हमने हमारा जो कैमरा है उसका IP हमने दे दिया है पर्टिकुलर 192.168.0.24। लेकिन ये IP से आप कभी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर पर इस कैमरे को ओपन नहीं कर सकते। ओके, सो अभी हमें जाना पड़ेगा हमारे सीधे से NVR के अंदर। सो हम चलते हैं अब सीधे डायरेक्टली हमारे NVR की तरफ। सो NVR को हम ओपन करेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर में। सो अब पहुंच चुके हैं हम हमारे इंटरनेट एक्सप्लोरर में, और इंटरनेट एक्सप्लोरर में आपको डालना पड़ेगा आपके NVR का IP। जी हाँ, मेरा NVR का जो IP है वो मैं यहाँ पर इनपुट कर रहा हूँ। सो हमने हमारे NVR का IP इसमें इनपुट कर दिया, और इनपुट करने के बाद में मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो हमने हमारे NVR को यहाँ पर कर लिया लॉगिन। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको सीधा स्मार्ट PSS में दिखाया था, मुझे लगा कि आप डायरेक्टली उसमें कर लेंगे तो काफ़ी सारे कमेंट मुझे उस तरह के मिले हैं, सो एक्सट्रीमली सॉरी। सो ऑलरेडी हमारे इस NVR के अंदर 3 कैमराज ऐड हैं, हमें एक चौथा कैमरा और ऐड करना है। सो हम सीधे जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। हम पहुंच गए हमारे कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद में आपको जाना है कैमरा मैनेजमेंट। कैमरा मैनेजमेंट में आपके 3 कैमरा ऐड हैं और आपको एक और कैमरा ऐड करना है। सो ऐड में जाएंगे, आपको IP कैमरे का एड्रेस लिखना है, मतलब हमारे हिकविजन जो कैमरा है उसका हमने डाला यहाँ पर IP प्रोटोकॉल, ऑब्वियसली हिकविजन रहेगा। मैनेजमेंट पोर्ट हमारा 8000 था, यूजर नेम हमारा क्लियर है, पासवर्ड। सो पासवर्ड आपको पता है, आपका पासवर्ड क्या है, हमारा वेरिफिकेशन कोड ओके, एंड ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज ओके, एंड देन आफ्टर हम इसको कर लेते हैं कनेक्ट। सो अभी फिलहाल यहाँ पर दिखा रहा है हमें ऑफलाइन कनेक्टिंग, और अगर ये ऑनलाइन हो जाए तो हमारा काम यहाँ पर बन जाएगा अच्छे से। सो ये देखिए आपका जो कैमरा है वो कनेक्ट हो चुका है आपके NVR के साथ में। सो अब हम चलते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर सीधा हमारा IVMS में, क्योंकि एग्जैक्टली इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आई थिंक कुछ एरर है, और वो एरर क्या है वो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा बाद में, क्योंकि यहाँ पर मैं लाइव व्यू के अंदर बार बार वही फ्रेमिंग मांग रहा है। सो हम चलते हैं हमारे IVMS में। सो ये ओपन हो गया है हमारा कंप्लीट IVMS, और IVMS के अंदर हमारे ये 4 कैमरा, मतलब 3 पहले के ऐड थे, एक और हमारा कैमरा। सो हम इसको ओपन करते हैं। सो यस, तो ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारा जो कैमरा है इजविज का वो ओपन हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है, और ये आपको दिखा रहा है कुछ इस तरह का विजन। बाकी के भी कैमराज हम लोग यहाँ से ओपन कर सकते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये देखिए आपके सामने हमारे जितने भी कैमराज हैं
वो सभी ऑन हो चुके हैं और इसमें हमारा ये इजविज कैमरा। सो इस तरह से आप आपके इजविज कैमरे को भी एज अ वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं और एज अ वाईफाई कैमरा आप उसको यूज कर सकते हैं। और हिकविजन के DVR यानी जिसके अंदर IP सपोर्ट करता हो उस DVR में या फिर NVR के अंदर आप इजविज के कैमरास को कनेक्ट कर सकते हैं। सो कैसा लगा वीडियो? मुझे लगता है कि ये वीडियो भी आपके लिए कुछ नया कुछ लेकर आया होगा, कुछ नई बातें आपने सीखी होगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो के अंदर हम लेकर आने वाले हैं कुछ अगेन प्रैक्टिकल। जी हाँ, हम बात करेंगे उस वीडियो के अंदर कलर व्यू कैमरास और स्टारलाइट कैमरास के अंदर प्रैक्टिकली डिफरेंस क्या है। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है उसको हिट करके रखिए, क्योंकि जो अगले वीडियोस आने वाले हैं कुछ इसी तरह से प्रैक्टिकल आपके सामने आने वाला है। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।